मुझे उसकी जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल रावल जी मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों, मार्वल की मोस्ट रिव्यू वेनम द लास्ट डांस, जिसे बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज दो दिन हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और सेकेंड डे के बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन के बारे में। तो देखते रहिए पूरा वीडियो, मैं आपका दोस्त सुमित के रावल। तो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपसे एक बता दूं कि हॉलीवुड की मोस्ट रिव्यू फिल्म वेनम द लास्ट डांस, जो कि एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है केली मार्शल ने। वहीं दोस्तों, इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिल रहा है टॉम हार्डी, जूनो टेम्पल, पैगी लू। वहीं दोस्तों, इस फिल्म को 1000 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया और इस फिल्म को इंडिया में लगभग 2000 स्क्रीन पर 24 अक्टूबर को रिलीज किया गया, जिसे रिलीज हुए आज बॉक्स ऑफिस पर दो दिन हो रहे हैं। तो बात की इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो यह फिल्म अपने पहले दिन 5 करोड़ रुपया कलेक्शन कर चुकी है। वहीं दोस्तों, यह फिल्म अपने दूसरे दिन यानी आज लगभग 4 करोड़ रुपया कलेक्शन कर रही है। इसके साथ दोस्तों, इस फिल्म के शुरुआती दो दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन 9 करोड़ रुपए का, तो इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो रहा है 11 करोड़ 10 लाख रुपए का। तो दोस्तों, ये थे वेनम 3 के शुरुआती दो दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट। दोस्तों, अगर आपने फिल्म देख ली तो हमें नीचे कमेंट्स बताइए कि आपको यह फिल्म कैसी लगी, और आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप भी टॉम हार्डी के डाई हार्ड फैन तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस फिल्म की आने वाली सभी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।